इसीलिए आज के अंदर इन कवितियों से लड़ना पड़ेगा। आज एक होकर हम सबको चलो सबसे ज्यादा ही स्ट्रगल करना पड़ता है, क्योंकि दिल क्या करता है, एक इंसान का हृदय क्या करता है। जैसे सुर वीरों ने इस धर्म का जाने कितनी ही वीरों का परित्याग कर दिया था, उन्होंने ये नहीं सोचा होगा अपने भारत के लिए अपने इस वीरों को उनको सच्ची श्रद्धांजलि भेंट कर सकती है। देश के अंदर भिन्न भिन्न जाति के और भिन्न ओजस्वी तस्वी एक विलक्षण प्रतिभा, साढ़े जो पूर्व प्रधानमंत्री सी, एक विश्व के महान राजनीतिक नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की पावन स्मृति अज बटाला भारतीय जनता पार्टी वालों राकेश भाटिया जी की अध्यक्षता दे विच एक कार्यक्रम रखा गया श्रद्धांजलि समारोह, और मैं इन्हें इतने आने का अवसर मिलया। सारी दुनिया इतराज की है, वो एक ऐसा जघन्य अपराध किया है नवजोत सिंह सिद्धू ने, वो एक जनप्रतिनिधि है, वो एक मंत्री है ये भारत के, अपने छोट सस्ती लोकप्रियता के लिए उन्होंने आज फिर भारत को शर्मिंदा करता कि वो जनरल जिदे डायरेक्शन दे नाल आज लखां भारतीयों की हत्या हुई, आतंकवादी गतिविधि ISI चला रही है, और वो ISI वो जनरल के अधीन आती है। अज भी जिहड़े ने वह घर सुने हो गए, मावां दियां गोद सुनी हो गई, अज जिहड़े जवानां दे परिवार बिलख रहे ने, अज सिद्धू उन्हां नूं किदां मूंह दिखाणगे। सो मैं समझना कि इहदा जिन्ना निंदा होए ठीक किया मुख्यमंत्री जी ने, कैप्टन अमरिंदर जी ने बिल्कुल सही किया कि जो चीप पबलिसिटी दे लई है, जो देश का गौरव जिहड़ा नीवा करता है, उहदा अपराध भारत की जनता आजीवन सिद्धू नूं क्षमा नहीं करे। मैं समझना उन्हां नूं मानसिक तौर पर जरा संतुलन ठीक करना चाहिए। वो लोकल बॉडी के एक प्रदेश के मंत्री ने, कि वह विदेश मंत्री ने, कि वह प्रधानमंत्री ने, कि वह डिप्लोमेट ने, उन्हां दा की दायित्व है, अपना काम तो होया नहीं। अज फेल मंत्री है पंजाब का, तो चल पे विदेश मंत्री बन के। सो मैं समझना उन्हां नूं अपना दिमाग दे विच याद करना चाहिए कि उन्हां दा दायित्व की है, और वह भाषण की कर रहे हैं, तो उत्थे गल किन्ने ऑथराइज़ किया सी उन्होंने कि जाके इतने जाके नैगोशिएट करो। सो खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, तुहाडा सब दा जनता दा ध्यान अपने अपराध तो दूर करन लई ओ ये बहानेबाजी कर रहे। अज ये पहली बार महसूस होया कि माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी एक भारतीय जनता पार्टी दे ही लीडर नहीं सीगे, वो सारे हिंदुस्तान दे लीडर सीगे। हर हिंदुस्तानी नूं जिस दिन उन्हों का देहांत हो गया इदा लग्या उन्होंने घर का कोई इंसान गायब हो गया, उन्होंने घर के किसी इंसान की मौत हो गई। पार्टियों तो उपर उठ के, जातों तो उपर उठ के वाजपेयी साहब ने अपने आप इस हद तक इस ऊंचाइयों तक लैके गए कि कोई विरोधी हिंदुस्तान च की दुनिया च भी कोई विरोधी नहीं है। और जिस दिन उन्होंने देहांत होया पहली बार होया अमेरिका तो लैके अफगानिस्तान श्रीलंका इन्हों देशों बंगलादेश झंडे चुक गए, तो मेरा ख्याल है जेडे संस्कार सानू माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने दिते ने BJP नू एक ऊंचाइया लैके गए ने, असी उन्हां दी कमी हमेशा महसूस करांगे। लेकिन अटल जी मौत अटल है, अटल जी अमर है। देखो नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब सरकार दे मंत्री हैगे, नवजोत सिंह सिद्धू इन्ने आसान फरामोश आदमी ने जिन्हों वो अपना पूरी उम्र प्यो मनते रहे, जिन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू नू आज राजनीति च खड़ा किया, उन्होंने नाम सीगा लेट एक्स प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी। उन्होंने उन्होंने 3 बार टिकट दे के लोकसभा का मेंबर बनाया, और वो अपने प्यो की मौत के देहांत से सारा पूरा हिंदुस्तान दुनिया शोक से अफसोस में डूबी हुई है, और नवजोत सिंह सिद्धू जाके पाकिस्तान में खुशियां मना रहे।
इस तो बेशर्मी की गल कोई होर हो नहीं सकती। और मैं कह रहा नवजोत सिंह सिद्धू अगर थोड़ी बहुत भी शर्म कितने बाकी हैगी है तो उन्हें रिजाइन कर देना चाहिए, क्योंकि जिस जनरल दे वो गले मिल रहा सीगा वो जनरल अपनी सेना नू कहंदा है जाओ हिंदुस्तान श्रेणिका के गले कट के लियाओ, और गले कट के लिया देना है। और नवजोत सिंह सिद्धू उस जनरल के गले मिलता है, इस तो बड़ी गल होर की हो सकती। रस्ता खलवाना एक कोई मैं इधर कोई डिस्प्यूट नहीं कर रहा, मैं कह रहा बंदे च इंसानियत चाहिए है। एक इंसान नवजोत सिंह सिद्धू नू पुछो, पूरी उम्र अटल बिहारी वाजपेयी जी अपना बाप मनता रहा, जेड़ा बंदा अपने बाप के शोक सभा च भी प्रेजेंट नहीं रह सकता वो किसी का की बन सकता। मैं पंजाब सरकार दे मुख्यमंत्री नू किया सीगा तुसी गुटका साहब ते हथ रख के किया सीगा कि मैं नशा बंद कर देंगा। कैप्टन साहब मेहरबानी करके हुण भी मौका है बच्चों दे जिंदगी बख्श दियो, नशे बंद कर दियो। ये पंजाब की जनता ने तुहानू इस भरोसे दे वोट पा के मुख्यमंत्री बनाया है, और जेड़ा हालात अज इस पंजाब विच हैगा हर दूसरे घर दे विच नशा हैगा। तुसी राम नाल जाके कुर्सी ते बैठ रेता है, इलीगल माइनिंग सब तो ज्यादा अगर हिंदुस्तान किते हो रही है तुहाडे पंजाब च हो रही है। ड्रग्स सब तो ज्यादा अवेलेबल है, बच्चे मर रहे हर रोज, 5-7-10 बच्चे रोज मर जाते जिन्हें उम्र 18 साल तो 25 साल तक है। जागो कैप्टन साहब, जागो अपने एडमिनिस्ट्रेशन को मजबूत करो, साढ़े पंजाब नू बख्श दो। कोमल दे कवि और विश्व दे राजनीतिक ब्रह्मांड दे जो चमकते सितारे सी केवल मात्र एक व्यक्ति ना होके साजे बनावे पति कामया एक ऐसा मातृशक्ति कार्यकर्ता बने। प्रधानमंत्री पद से एक तैनात के रूप में भी प्रधान उन्होंने स्टेज पर बैठा था। मैं राष्ट्र के हित में